इतना सुंदर लग रहा था बिट्टू, ऐसे सो दैट उसका लेयर्स खुल के आ जाए। Voila, my paratha, paneer paratha is ready. फूड फैम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ सिंपल ईटिंग। और आज हम खाने वाले हैं, एक्चुअली खाने नहीं वाले, मुझे खिलाया जा रहा है। यस, आज की इस वीडियो में मैं खाने वाली हूँ पराठा। आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्पेशली एंड ओनली फॉर श्रेयसी भट्टाचार्य जी। आई थिंक शी हैज बीन कमेंटिंग ऑन ऑल माय 24 आवर्स फूड चैलेंज कि पराठा खाइए पराठा खाइए। फाइनली आई हैव डन दिस वीडियो एंड मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करके बहुत मजा आया। आई विल गिव यू अ स्पेशल थैंक यू बिकॉज आपकी वजह से आई मेड दिस वीडियो एंड आई नेवर न्यू दैट आई कैन मेक सो डिलीशियस पराठास। This video is surely gonna tempt all of you out there. So make sure कि आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी सारे shout outs हैं। In fact बहुत ज़्यादा shout outs हैं क्योंकि I think मैं एक हफ्ता like after 4 days I'm posting a video, थोड़ा gap हो गया। आज का फर्स्ट एंड वेरी 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 स्पेशल शाउट आउट गोज टू निलंजना दास। जैसे कि आप इनका कमेंट यहाँ देख सकते हैं, आप पॉज करके ये कमेंट पढ़ सकते हैं। आई रियली वांट टू से थैंक्स अ लॉट टू निलंजना। मैंने ये कमेंट कल ही देखा एंड आई हैव इंस्टेंटली पोस्टेड दिस ऑन माय इंस्टा स्टोरी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करें तो मेक श्योर कि आप मुझे फॉलो करें बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव कनेक्टेड विद मी देयर एंड हम काफी ज्यादा और क्लोज हो रहे हैं और हमारी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। सेम विद निलंजना, शी लिटरली इंस्टॉल्ड Instagram for me and we are having a very good chit chat over there. So I was really glad and I really felt very emotional with this comment and I literally felt like crying. So thank you Nilanjana because of this comment of yours and because a lot of you out there are showing so much of love and support to me. आपके लिए शायद ये कमेंट होगा बट मेरे लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। Now the second shout out goes to अच्छा पियाली भौमिक। इट्स नॉट अ शाउट आउट, इट्स एक्चुअली अ बर्थडे विश। पियाली भौमिक जिस दिन लाइक द लास्ट वीडियो विच आई अपलोडेड उस दिन उनका बर्थडे था। सो आई एम रियली सॉरी जिस दिन वीडियो अपलोड करती हूँ उसके 24 आवर्स के अभी तो 48 आवर्स तक मैं कमेंट सेक्शन देखती नहीं हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट सोशल मीडिया टू हैव ऑन टू मी। सो इसीलिए मैं देखी नहीं बट कल मैंने देखा तो आई एम रियली सॉरी। सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे पियाली भौमिक। Now the third shout out goes to Rajiv Mitra. Now he has dropped a lot of comments on my videos but I chose this one because Bengali mein likha hua to mere ko thoda Bengali padhne ka man bhi tha isliye bol diya. Abhi for the breakfast I'm going to have some normal paratha which we usually have in our breakfast, that is Bengali paratha. Now wo meri mummy bana ke degi because that's a very easy recipe. Normal aapko maida ko goond lena hai with namak and oil, refined oil and garam pani. Make sure to knead the maida with garam pani. So as you can see the paratha is ready, Bengali paratha is ready and आप देख सकते हैं ये पराठा बहुत ही पतला होता है and बिल्कुल भी normal paratha से थोड़ा different है and आप देखेंगे तो ये काफ़ी खस्ता भी होता है। See this is the reason why we love this paratha क्योंकि early morning breakfast के लिए ये बहुत light paratha है and this goes really well with the तड़का। But अभी मेरे पास छोला है जो मेरे घर में कल बना था। दिस छोला हैज बीन मेड बाय माई डैड एंड ही कुक्स अमेजिंग छोला एंड इसके साथ ऑब्वियसली प्याज मिर्ची होता है तो अच्छा लगता सुबह बट मेरे को नहीं खाना सुबह प्याज मिर्ची। आप अगर चाहें तो खा सकते हैं। सो फ्लेकी सी कितना अच्छा मस्त फ्लेकी है। सो थिन एंड आप देख ही सकते बिल्कुल भी तेल नहीं है इसमें। Delicious, very light, one of my favorite. Look at
दिस इज अ स्पेशल शाउट आउट एंड ये मुझे बहुत ज्यादा लाइक अच्छा लगा इन द सेंस, मतलब ऐसा वाला इमोजी नहीं होता वैसा वाला लगा. अब इसको क्या बोलते हैं इस वर्ड को मुझे नहीं पता. कुछ बोला thankful and grateful. I'm very grateful to Namrata Doshi for this comment. वो लिखती है दी आप बहुत innovative idea लाते हो, देखकर मजा आता है. मैं आपकी और इस comment के बारे में बिट्टू भैया को भी नहीं पता है. मैं आपकी और flying beast दो चैनल बहुत देखती हूँ. मैं न्यू सब्सक्राइबर हूँ. आपके सभी वीडियो देख लिए, मजा आ गया. दी आप अच्छी कुक हो, आप अच्छी कुक भी हो. काश मैं हो जाऊँ इतनी. नम्रता डेफिनेटली आप हो जाओगे क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी अच्छी कुक नहीं थी पहले. बट कुकिंग इट्स लाइक पैशन. अगर आपको कोई चीज का इच्छा है तो आप कर सकते हो. बाय द वे इस चीज को हटाओ. फ्लाइंग बीस्ट शी लव्स वॉचिंग माई वीडियो विद विया एंड फ्लाइंग बीस्ट का वीडियो. यू नो व्हाई? Like Namrata is a smart and intelligent viewer of mine because I personally I really admire Flying Beast because he's very educated, he's very intelligent and unka content aisa hota hai na ki time pass wala content nahi hota ki jo vlogs bhi hote hai na usme bhi kuch na kuch messages rehte hain. So mereko khud bhi personally unka video bahut acha lagta dekhna because he's very natural and intelligent logo ka aur educated logo ka yehi hai ki wo kabhi chhablapanti nahi karega apne video mein. They'll give you good content. So you are always rest assured. If you're spending 10, 15, 20 minutes on the channel, then definitely you will earn something, you will learn something. Abhi lunch mein, I'm going to make some paneer paratha, but paneer paratha stuffed with lots and lots of paneer and lots of vegetable and lots of rich masala. Ek cheez bol do, aap logo ko ye kafi saaf sutra dikhta hai, but iske peeche bahut mehnat lagta hai. Ye sab karne se pehle ek ghanta mujhe pehle pura cutting, matting, pura kachra ho jata hai. Kabhi behind the scene agar mauka mila to main dikhaungi. Nobody helps me. Not even this gadha. He only comes jab sab kuch ready hai. He only comes to shoot. But again, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिट्टू भैया, अगर मेरा वीडियो ख़राब हो जाएगा. तो स्टफिंग के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है पनीर. As you can see, I've crumbled the paneer very well. इसके अंदर I'm just putting up the shredded carrot, then chopped capsicum. घर में जितनी सब्जियाँ हैं सब डाल दीजिए, सब्जियाँ खाने से कोई खती नहीं है. Chopped beans. कितना सुंदर लग रहा है कलर, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज. चॉप्ड अनियन, चॉप्ड कोरिएंडर, ढेर सारा चॉप्ड ग्रीन चिलीज. अब जो ये इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ ये मैं खुद भी बहुत खा रही हूँ आजकल, एंड आई सजेस्ट एवरीवन टू ईट, दैट इज ग्रीन चिलीज, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जिंजर, हैंडफुल ऑफ गार्लिक. अब मसाले में इसमें जाएगा हाफ से भी थोड़ा कम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून ड्राई आमचूर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/4 टेबल स्पून गर्म मसाला एंड हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर. नाउ मिक्स दिस रियली वेरी 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 वेल. मसाला रेडी हो गया, टेस्ट कर लेते नमक वमक सही है कि नहीं. मसाला बहुत अच्छा है, मिर्ची विर्ची सब ठीक है. नमक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नो दिस इज द मोस्ट टेक्निकल पार्ट. कुकिंग आना इज लाइक ईजी, कुकिंग हर कोई कर सकता है, बट सीजनिंग का ख्याल रखना, वो जो सीजनिंग का बैलेंसिंग करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे पहले नहीं आता था. बट अभी पहले मेरे को मम्मी पापा का हेल्प लगता था, कुछ बनाती थी, बट अभी मैं अकेले वो सीजनिंग कर सकती हूँ. आई हैव अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ सीजनिंग फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. सो यहाँ पर मैं इसको ले ले रही हूँ. फर्स्ट वी आर जस्ट स्प्रेडिंग सम आटा. सो मैं ये आटा का पराठा बना रही हूँ. यहाँ पर ये नॉर्मल आटा गूंदा हुआ है, पानी नमक दे के. फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मेरे को आइडिया नहीं है इतना पराठा बनाने का. इसको थोड़ा सा फ्लैटेंड कर देते हैं. तो यहाँ पर आई टेक इन द मसाला, कुछ ज़्यादा ही मसाला ले लिया मैंने, बट आई वॉन्ट. सो इसको रैप करेंगे मोमोज की तरह. मैं इसको हाथों से ही फ्लैट करूँगी, मैं बेलन से नहीं करूंगी बिकॉज मेरे को रेस्ट नहीं लेना है. एंड आई वॉन्ट कि वो जो मसाला मेरे को हर एक बाइट में मिले. नॉर्मली जब हम पराठा बनाते क्या होता है ना, मैं मम्मी को बहुत बार बोली पता नहीं होता नहीं, ये ट्राई करिए अगर हो गया तो वेल एंड गुड. नॉर्मली जब पराठा बनाते तो क्या होता है ना, वो साइड में चला जाता है मसाला, बट जब बीच में खाते हैं ना तब उसमें मसाला रहता नहीं है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके बताइएगा. मैंने अच्छे से फ्लैटन कर लिया. अब चलो ये रेडी है, साइज भी काफ़ी बड़ा अच्छा बन चुका है एंड देखने में अच्छा लग रहा है. कैसा लग रहा है देख के? अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है.
चलो अब इसको सीखते हैं, घी से बनाएंगे इसको. द इंडियन स्टाइल जिस तरह से वी ऑलवेज डू दिस, दिस इज लाइक दिस शोज दैट वी आर इंडियन. आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं. इसको पहले सेकेंगे. Honestly speaking, इतना भी tough नहीं है बनाना, like it's easy. By the way, my mom is there for the supervision क्योंकि ये first time कर रही हूँ. Looks so good. Look at the color. This is amazing. कैसा लग रहा है वहाँ? बहुत अच्छा. First time पराठा बनाई हूँ. बहुत सुंदर. मेरे से भी अच्छा. But हर चीज़ में ऐसे बोलती हूँ. नहीं नहीं. And I've seen my mom doing this. She always rotate the parathas. ताकि हर एज में ये सीखे अच्छे से. And voila, my paratha, paneer paratha is ready. तो चलिए अब इसको खाते हैं. We have taken some curd, adding थोड़ा सा जीरा पाउडर and I'm adding चाट मसाला. Mixing this really well. गर्मा गर्म पराठे के ऊपर ढेर सारा मक्खन. गर्म पराठा उसके ऊपर पिघलती हुई टेस्टी डिलीशियस रिच मक्खन एंड दही. Oh my god, this is so good. This is epic. This is just epic. I'm so good. Amazing. मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना अच्छा बना पाऊंगी. This is so 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 delicious. खुद बना के खाइएगा, पता चल जाएगा बहुत delicious है. गर्मा गर्म पराठा एंड ठंडी ठंडी दही. आ लाजवाब 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 कॉम्बिनेशन. हाँ बहुत गर्म है. पापा शेफ आज बहुत खुश होने वाले हैं बिकॉज ही लव्स इंडियन फूड. ही लव्स दिस काइंड ऑफ फूड. और जब उनको गर्म गर्म बना के दूंगी ना, ही विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट. जैसे कि मैंने बेला था, आप देखो पराठा के हर एक साइड में, हर एक एंगल में, पूरा सर्कल में मसाला फिल हुआ है. दैट्स द रीज़न मैं हाथों से, कि अगर बेलन से करती तो शायद वो इतना अच्छे से इवनली स्प्रेड नहीं होता. बट अभी आप पराठा देख सकते हैं, हर एक साइड में पराठा का मसाला है. लुक एट दिस चिलीज एंड गार्लिक एंड कोरिएंडर कैप्सिकम. दिस लुक सो सो डैम ब्यूटिफुल. यू नो फॉर मी फूड इज समथिंग. आप खाना बनाए और खाए ना, खाना ऐसा होना चाहिए जो देखने में भी सुंदर हो, लाइक अति सुंदर, और खाने में तो सुपर डिलीशियस हो. इसको डेफिनेटली बनाइएगा और मेरे को बहुत सारा दुआ दीजिएगा. मम्मी पापा को अपना बना के डेफिनेटली खिलाइएगा क्योंकि वो लोग आपको बहुत दुआ देंगे. उसी में से थोड़ा सा दुआ मेरे को क्रेडिट कर दीजिएगा. दैट्स ऑल आई नीड. नेक्स्ट शाउट आउट गोज टू रोनिमा. आई विल गिव यू स्पेशल स्पेशल शाउट आउट बिकॉज जब मैंने ये, आप इनका कमेंट देख सकते हैं, इन्होंने पूरा सिंफुल फूडी का एक एब्रिविएशन बना दिया है. एंड जब मैंने ये कमेंट देखा, आई फेल्ट लाइक सो वाओ, लाइक यू टुक लिटरली एफर्ट टू यू नो मेक एन एब्रिविएशन ऑफ माई नेम. एंड आई वॉज वेरी ग्लैड, आई वॉज वेरी हैप्पी. आई डिड शेयर दिस ऑन माई इंस्टा स्टोरी बट सैडली मुझे आपका आई डी हैंडल नहीं पता था, अदरवाइज मैं आपको टैग कर देती. सो गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो या मुझे किसी चीज में मेरे से रिलेटेड पोस्ट कर रहे हो तो प्लीज मेरे को टैग कर दिया करो या उधर जाके एक बार हाय बोल दिया करो, सो दैट आई कैन कनेक्ट टू यू गाइस देयर. नाउ द नेक्स्ट शाउट आउट गोज टू शैली शीतल. शी सेज आई लव योर वीडियोस, इवन आई लव फूड आफ्टर वाचिंग योर वीडियोस. नॉट ओनली हैव रिकमेंडेड योर चैनल टू माय अदर फूडी फ्रेंड्स बट आल्सो वी डिसाइडेड टू गो टू कोलकाता टू ईट जस्ट द स्ट्रीट फूड. लव इट. थैंक यू सो मच. अगर मेरे रिकमेंडेशन से समबडी इज एक्चुअली फीलिंग टेम्पटेड टू कम टू माय सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ फूड, देन उससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकता है. आई एम so thankful for this. Thank you so much. Now the next shout out goes to Dilip Jain. Actually not Dilip Jain, this shout out goes to Khushi Jain. She is commenting from her mom's ID. But mom's ID kaise hua, Dilip Jain hai na, so it's your father's ID. So she says, now this is a special shout out because the way she has wrote it, I have really got very impressed with the fact. I don't know aap kitne inspire hua, but mujhe bahut acha laga ye sunke. Now she says, Didi, this is Khushi Jain. I am 13 years. This is my mom's ID. I love your video. I love your bolne ka tarika. And so much, me and my sister love your video. They are so good and also love to do cooking. I also love to do cooking. I want to go in Master Chef by inspired by you, Dee. Love you so much. Love from Gwalior, MP. I know what Gwalior is in MP. I love you. Love you too. And if you're really inspired to go to Master Chef because of me,
ओह माय गॉड, इससे ज्यादा क्या चाहिए बिट्टू भैया। बाय द वे मास्टर शेफ इस बार जो हुआ था ना, उसके लिए मेरे को भी ऑडिशन देने के लिए आया हुआ था, लाइक दे दिस पीपल अप्रोच, बट उस टाइम तक मेरे को कुकिंग नहीं आता था, मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे को गैस जलाना भी नहीं आता था। इट्स लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट, ये है लास्ट सेप्टेम्बर प्रेशर में ना, तब हम लोग का फाइलिंग प्रेशर में आया था ना, तो अक्टूबर नवंबर में आया था तब मेरे पास, लाइक अगर आप ऑडिशन देना चाहते हैं फॉर मास्टर शेफ, बट आई सेड नो बिकॉज ऑफ द रीजन, मेरे को गैस जलाना तो आता नहीं, तो कुकिंग क्या करूँगी, काश ये पहले सीख जाते तो शायद मैं मास्टर शेफ में होती शायद, बट नो इशू। Literally, I'm very, very tired and not feeling like cooking anymore. No worries. I'm definitely going to make the evening snacks. And for evening snacks, I'm going to make some Mughlai paratha. Now mix this really very well. This looks so damn crispy and good. Wow, now let's just go and eat. So, yahan par aa gaya delicious kurkure crispy Mughlai. Aap se crispiness iska sunega. Wow. The wonderful feeling you can see, इसको हम खाएंगे यहाँ पर, आप चिकन कौशा मांगशो, the कौशा मांगशो taste heavily delicious, normally इसको एक आलू का तरकारी के, आलू का सब्जी के साथ खाया जाता है जो बहुत सूखा होता है, और चिकन के साथ भी खाया जाता है, दुकानों में आपको आलू का सब्जी मिलेगा, टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही होता है ये कौशा मांसू की तरह, बट उसमें चिकन नहीं रहता। दिस इज वेरी फ्लेकी, वेरी क्रिस्पी, आई जस्ट लव कौशा मांस और आलू, आई जस्ट लव द टेस्ट इज वेरी गुड, बिकॉज ये कौशा मांस मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, इट्स स्वीट एंड स्पाइसी बोथ, एंड आई जस्ट लव दिस। आई टेल यू वन थिंग, आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड, आई वाज नॉट फीलिंग लाइक रिकॉर्डिंग एंड कुकिंग एनी मोर, बट ये बनाने के बाद और खाने के बाद एकदम चार्ज्ड अप हो गई हूँ। Now the next shout out goes to the Dazzling Queen. Now Dazzling Queen also have a channel, YouTube channel. So guys, please do go and check out her channel. So definitely make sure ki aap sab unke channel ko subscribe kare. Help each other and ek boost milta hai na starting mein. To content acha banane ka aur man karta hai. You feel like improving, you feel like making good content. Mere case mein alag tha. Mera to training hi office mein aur school mein itna harsh training hua hai. कि हम रिजल्ट से पहले ही बहुत मेहनत। नाउ द नेक्स्ट शाउट आउट गोस टू वैशाली हॉटगेयर। नाउ ये बोलती है योर वीडियोस आर जस्ट ऑसम, यू नो आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक टू नोट स्पेशल थिंग्स इन माय डाइट एंड यू डोंट बिलीव इट बट
But yes, that whenever your video come, I write it in my diary because it is special for me. I'm not writing this for your shout out. This is reality. Now she has said that I want you to do a 24-hour fast eating challenge of weird food combination, which is rice with achar. I hope you will do it. Love you, food fan, camp fan. Okay, she's food fan, she's camp fan. Okay, camp fan, food fan. Good. So the thing is that मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. I don't know आप डायरी में नोट डाउन क्या करते हो, लाइक मेरा वीडियोस देख के क्या नोट डाउन करते हो, वो भी आप मेंशन कर देते तो मुझे और अच्छा लगता. बट आप मेरी वीडियोस को इतना ऑब्जर्व करते हो, उसको इतना वैल्यू देते हो, इतना रिस्पेक्ट देते हो. थैंक यू सो वेरी मच फॉर. नाउ फॉर द डिनर आई एम गोइंग टू हैव सम लच्छेदार पराठा. नाउ दिस लच्छेदार पराठा इज डिफरेंट बिकॉज दिस इज मसाला लच्छेदार पराठा. तो चलिए पहले इसका रेसिपी देख लीजिए, फिर आके खाते हैं. Guys, please don't judge me with the shape of the paratha. मैं हाथ से बहुत अच्छा गोल बना लेती हूँ, बट इससे नहीं बनता मेरे से. सो ऐसे बेलने के बाद उसके बाद हम लोग को अच्छे से जनरस अमाउंट में घी लगाना है. थोड़ा सा मैदा डालेंगे ताकि वो खस्ता क्रिस्प हो और उसका जो लेयर्स होगा जो हम फोल्ड करेंगे वो सेपरेटेड हो जाए. उसके बाद वील पुट भूंजा हुआ जीरा पाउडर. आई सीरियसली जस्ट लव दिस भूंजा हुआ जीरा का जो अरोमा होता है. लव रायते में भी गिरता, बहुत टेस्टी लगता है खाने. उसके बाद विल पुट कोरिएंडर, स्प्रिंकल सम ब्लैक पेपर पाउडर एंड थोड़ा तीखी लाल मिर्च फॉर द कलर. ना तीखी लाल मिर्च इज नॉट दैट स्पाइसी, बट इससे कलर बहुत अच्छा होता है इसलिए हम ये डाल रहे हैं. ये मैंने पापा से सीखा, मुझे पहले नहीं पता था कि ये स्पाइसी नहीं होता ज़्यादा, बट इससे कलर अच्छा होता है. वाह बिटू, ये कैसे लग रहा है देखे? अच्छा कलर इज सो ब्यूटीफुल ना. वाह ये तो मेरा बेस रेडी हो गया. अब इसको फोल्ड करना इज द मेन टास्क, तभी वो टेस्टी क्रिस्पी लेयर्स वाला लच्छा पराठा बनता है. दिस इज अ बिग टास्क फॉर मी. लेट्स सी अभी तक तो सक्सेसफुल हो, आगे देख तो कैसा है, क्योंकि वीडियो में जैसा देखा था वैसे ही लग रहा है देख के. नाउ द थिंग इज दैट आई वांट टू से, क्या बोला था मैं, भूल गई. जब याद आएगा तो बताओगे, मेरे को कुछ बताना था इससे रिलेटेड. हाँ मैं ये बोल रही थी कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर कुकिंग फूड, मेक श्योर दैट योर फूड शुड लुक ब्यूटीफुल. तभी वो खा के मजा आता है, जब सुंदर सुंदर चीजें जब सामने हो और फिर उसको खाने में उसका और मजा आता है. ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब खाना बनाए ना तो उसको सुंदर से, दिल से, प्यार से बनाए. द पार्ट कम्स, आई नीड टू फोल्ड दिस. इसको हम लोग बचपन में जो पंखा बनाते थे ना वैसे फोल्ड करना है. अब इसको थोड़ा सा मेरे को स्ट्रेच कर लेना और अच्छे से चिपकाना है. देख सकते हैं आप ये जो लेयर, आप देख सकते हैं, सी द लेयर्स, अब ब्यूटीफुली आई हैव रोल्ड दिस. करने के बाद वी नीड टू जस्ट ट्विस्ट एंड रोल. सुंदर लग रहा था बिट्टू. I'm so good. See, I made this so perfectly. And इसको अच्छे से भी प्रेस कर लेते हैं. रह गया था एक छोटा सा आटा, तो उसका मैंने क्या किया, एक ट्राई कर ले रही हूँ. इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग इज सेम, इंस्टेड ऑफ धनिया पत्ता, बिकॉज धनिया पत्ता खत्म हो गया और है नहीं, तो इंस्टेड ऑफ धनिया पत्ता आई एम पुटिंग ऑफ चीज, बिकॉज माई मॉम लव्स चीज पराठा. सो आई एम मेकिंग दिस चीज लच्छादार पराठा फॉर हर. सो हियर आई हैव मेड दिस फोर पराठास. एक ये चीज़ वाला है, आप देख सकते हैं इसको काफ़ी अच्छे से मैंने रोल कर दिया है. माँ टेम्पटिंग. एंड ये वाला पहले जो मैंने बनाया था, और ये चलिए अब इसको बेलते हैं और फिर सेक के खाते हैं. सो आपने रेसिपी देख ही लिया होगा कि मैंने फाइनली आई एम सक्सेसफुल इन मेकिंग दिस. एंड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के. सो जिस तरह से लच्छेदार पराठा का लेयर्स होता है, एंड इसके भी काफ़ी अच्छे लेयर्स खुल के आए हैं. व्हाट डू यू से बिटू भैया, कैसा लग रहा है? इज इट लुकिंग लाइक लच्छेदार पराठा? राइट. सो जैसे कि हमें पता है कि हम लच्छेदार पराठा को कैसे खाते हैं, वी जस्ट नीड टू ब्रेक दिस ऐसे सो दैट उसका लेयर्स खुल के आ जाए. So once this is done,
सो बेसिकली दिस इज द राइट वे ऑफ ईटिंग लच्छेदार पराठा. आपको उसको ऐसे करके ब्रेक कर लेना, तोड़ लेना, एंड देन यू नीड टू ईट. सो इसके साथ आई हैव टेकन दही अगेन विद चाट मसाला ओनली. ना मेरे को लगता है कि दही एंड पराठा का जो कॉम्बिनेशन है ना, इट्स लाइक अ बेस्ट जोड़ी अवार्ड मिलना चाहिए. आई यूजली प्रेफर ईटिंग पराठास, एक्चुअली 90% ऑफ द पराठास आर यूजली ईटन विद दही, अनलेस इट इज लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ पराठा जिसके साथ चाप या कुछ और जाता होगा. बेसिकली हम दही और पराठा ही खाते हैं. उसके साथ मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मारवाड़ीज, स्पेशली मारवाड़ीज लाइक वरुण से ही सीखा है. And obviously मेरे office people से, because my office people they are, मतलब majority is a मारवाड़ी up there, so मैंने वहाँ से सीखा है. This people eat पराठा, दही and भुजिया. अब ये प्रभु जी का भुजिया है, इसके साथ ये एक डंडी आता है. If you know, I love this डंडी but not the भुजिया. Sorry. So क्या करते हैं वो लोग, इस भुजिया को you need to dip into the दही and then eat. मम्मी पीछे आई है, मम्मी अपना cheese वाला खा रही है डिनर में. आज no rice, nothing. डिनर है मम्मी खच्चे चीज लच्छा पराठा. सो ये मैंने चीज वाला लच्छा पराठा बनाया था. ब्रेक करते हैं पराठा. सो इसको भी हम अच्छे से ब्रेक कर दे रहे हैं. एक और मम्मी खा चुकी, एक बाइट मैं ले रही हूँ. अरे विष्णु भालो बढ़िया. आप खाए जो आप खाओ, मैं वो दही से खाऊंगी. सो पीछे मम्मी खा रही है, सामने मैं खा रही हूँ. पूरा दही दही हो गया हाथ. लग नहीं रहा पराठा खा रही, लग रहा दही खा रही हूँ. मुझे आज एडेड अ एडिशनल टेस्ट टू द एंटायर कॉम्बिनेशन ऑफ द पराठा एंड दही. दिस इज जस्ट अमेजिंग. देख सकते कितना ज़्यादा फ्लेकी है. ऑल द फ्लेक्स ऑफ द पराठा हैज कम आउट ऑफ इट एंड दिस शोज दैट दिस इज द बेस्ट लच्छा पराठा आई हैव मेड. बहुत खस्ता है. देखिए एकदम थोड़ी सी मेहनत लगती है. ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में नॉर्मली अवेलेबल रहते हैं. थोड़ा सा ट्विस्टिंग टर्न करके, थोड़ा दिमाग लगा के वी कैन डेफिनेटली इनोवेट एनीथिंग. जो नॉर्मल बोरिंग खाना होता है डेफिनेटली आई से बोरिंग खाना, बिकॉज हम लोग एक ही रेपिटेटिव खाना खाया जाता है घर में स्पेशली. अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्विस्ट एंड टर्न लाएंगे, यू कैन हैव अ वेरी डिलीशियस फूड स्टेइंग एट होम. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. ट्राई मेरे को फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. एंड चलो सी यू इन द नेक्स्ट टाइम विद सम अदर फूड चैलेंज. एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. सी इन द नेक्स्ट टाइम. टिल देन हैप्पी ईटिंग. बाय बाय.